अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह की सुमान में। गुस्से आज आपके लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। चूँकि एडमिशन्स के दिन हैं और तमाम स्टूडेंट्स जो है किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तरफ जा रहे हैं, तो आज की जो वीडियो मैं आप लोगों को आज 15 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बताने जा रहा हूँ जिनकी फ्यूचर वैल्यू बिल्कुल डाउन है। मतलब कि इन यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स को एक तो जॉब नहीं मिलती, अगर जॉब मिलती भी है तो बहुत ही कम पैसों की जॉब मिलती है। तकरीबन 12,000 से लेकर 20,000 की जॉब मिले तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बताने वाला हूँ जिनमें अगर आप एडमिशन का सोच रहे हैं तो हरगिज़ मत जाइएगा, या ऐसे स्टूडेंट जो इनमें एडमिशन ले चुके हैं तो वो अगर देखेंगे वीडियो तो यकीनन इस बात की तस्दीक भी करेंगे और बताएंगे भी सही। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रोग्राम जो है हर यूनिवर्सिटी में ऑफ़र किया जाने वाला हर एक प्रोग्राम आपके लिए है, ऐसा भी नहीं होता। बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पैसे बटोरने के लिए उनको बनाया किसी और मकसद के लिए गया, लेकिन वो पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। और बहुत सारी ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बिल्कुल भी उनको डिग्री का कोई ख्याल नहीं है, बस उनको इसी बात का है कि अपनी वेबसाइट अच्छी बनाओ, एडवर्टाइजमेंट अच्छी चलाओ और बस पैसे बटोरो। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो आप लोगों को खसूसन आप लोगों को जो है वो टारगेट कर रही हैं, टारगेट करके आप लोगों को अपने कैंपस पर ले जाती हैं, और उधर जब आप जाते हैं तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं। जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर आप लोगों को पता चलता है कि यार असल में कंपटीशन तो हम लोगों ने किया ही नहीं है। कंपटीशन होता क्या है, मतलब कि फ्यूचर में आप लोगों को जो हायर करने वाले होते हैं वो आप लोगों को देखते भी नहीं हैं, मतलब कि आप लोगों को प्रेफर कर देते हैं आप लोगों के ऊपर किसी और यूनिवर्सिटी को। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ़ ऑल बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी साउथ एशिया की। यूनिवर्सिटी साउथ एशिया में अगर आप लोग एडमिशन का सोच रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मत जाइएगा। ये जो यूनिवर्सिटी है लाहौर में वाकया है और इसके तकरीबन 3 कैंपस हैं। ये यूनिवर्सिटी देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं मौजूद हूँ और अच्छी खासी वेबसाइट बना देते हैं आप लोग, वेबसाइट विजिट करते हो और इम्प्रेस होकर चले जाते हैं। लेकिन ये जो वेबसाइट बनती है, ये वेबसाइट पता नहीं कैसे बनती है और आप लोगों को नहीं पता कि ये पता नहीं कहां से मुझे उठा के फेंक देते हैं। खैर, आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अगर फ्यूचर चाहते हो तो इस यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल मत जाइएगा, क्योंकि अभी तक इस यूनिवर्सिटी की मार्केट वैल्यू नहीं बनी। इस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को तकरीबन 25,000 के दरमियान जो है तकरीबन सैलरी मिलती है और हायरिंग रेट बहुत ही लो है। हायरिंग रेट का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को आप भी जाओ और इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर या किसी और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, वो भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर उसका कोई ग्रेजुएट जाएगा तो डेफिनेटली आपको कोई पूछेगा भी नहीं, भाई उसी को ले ले गए। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है भाई, अगर आप लोगों ने सिर्फ डिग्री का एक वो ले लेना है, पेज लेना है तो डेफिनेटली जाएं, मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं कहूँगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रेस्टन यूनिवर्सिटी। प्रेस्टन यूनिवर्सिटी का सिर्फ और सिर्फ कराची कैंपस रिकॉग्नाइज है, बाकी कोई भी कैंपस फिलहाल रिकॉग्नाइज नहीं है। लेकिन ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस यूनिवर्सिटी ने ढोंग रचाया हुआ है कि यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं कि फलां फलां कैंपस रिकॉग्नाइज है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। HEC की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग चेक कर सकते हैं और प्रेस्टन यूनिवर्सिटी की जो मार्केट वैल्यू है बिल्कुल ज़ीरो है। प्रेस्टन यूनिवर्सिटी की डिग्री को कोई भी नहीं पहचानता मार्केट में, और अगर आप लोग इससे डिग्री लेकर जाते हैं तो आप लोग वही नॉर्मल सी जॉब मिलने वाली है, कोई भी आप लोग अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसमें भी एडमिशन ऑफ़र हो रहे हैं, लेकिन एडमिशन में फिर वही मैं आपको कहूँगा कि आप लोगों ने फ़ी ही ज़ाया करनी है और टाइम ही वेस्ट करना है। एटलीस्ट इतना हो कि मार्केट को कम्पीट करे यूनिवर्सिटी की डिग्री, ताकि आप लोगों के पास जब कोई एक्सपीरियंस नहीं हो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप लोग जब फर्स्ट टाइम मार्केट में जाते हो तो आप लोगों की यूनिवर्सिटी और डिग्री मैटर करती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जो है इससे डिसएग्री भी किया था, लेकिन ये हकीकत है, ये फैक्ट है। खैर, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग जाने का सोच रहे हैं, अगर आपको किसी ने कहा है तो मत जाइएगा, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। नेक्स्ट है ग्लोबल इंस्टीट्यूट लाहौर। ग्लोबल इंस्टीट्यूट लाहौर की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इन्होंने भी वेबसाइट तो काफ़ी अच्छी बनाने की कोशिश की है, लेकिन बात यह है कि इसकी NOC सस्पेंड कर दी है HEC ने। तो अगर आप लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो यकीनन इसकी जो NOC है वो एक्सपायर है। ये अफिलिएट है HEC से, लेकिन इसकी जो NOC है वो सस्पेंड हो चुकी है, इसलिए इसमें मत जाइएगा। मैं आपको ऐसी डिग्री वैल्यू की मैं बात ही नहीं कर रहा, अभी जब NOC ही सस्पेंडेड है तो आप लोगों ने इसमें जाके क्या करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिन्हाज यूनिवर्सिटी लाहौर की। डाउनटाउन में ये यूनिवर्सिटी वाक़ है और ये बहुत ही वेल नोन बंदे की है, जिसे डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं। जी हाँ, ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी की यूनिवर्सिटी है मिन्हाज यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने बहुत ही यूँ समझ लें कि अपने साथ बुरा करने का सोच लिया है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी ने कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा जितने भी साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेजेस, इसके अलावा इंजीनियरिंग, अलाइड हेल्थ साइंसेज और अप्लाइड साइंसेज, आर्ट एंड डिज़ाइन और तमाम चीज़ें भाई इसने इसके अंदर ठोक दी हैं। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर हर एक प्रोग्राम ऑफर करने का सोच रखा है ताकि यूनिवर्सिटी की अर्निंग बढ़ती रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट अगर इससे कोई डिग्री लेकर जाता है सिवाय इस्लामिक
डिग्री के या कोई जो नॉर्मल डिग्री है आर्ट्स की, उसके अलावा अगर कोई डिग्री आप लोग यहाँ से लेकर जाते हो तो इसको कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि मिन्हाज यूनिवर्सिटी बेसिकली एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है और इस्लामिक यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ इसके अंदर कोई ऐसी फैकल्टी मौजूद नहीं है जो कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी या इस किस्म की कोई रिसर्च फैकल्टी या कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद यानी कि कोई अच्छी डिग्री लेकर बाहर जाना चाह रहे हैं मार्केट में, तो हरगिज़ इसमें एडमिशन मत लीजिएगा। हाँ, मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर आप लोग इस्लामिक स्टडीज़ में या कोई एजुकेशन की डिग्री हासिल करना चाह रहे हैं तो मिन्हाज यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई अच्छी डिग्री इससे मत लीजिएगा, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। नेक्स्ट हमारे पास हजवेरी यूनिवर्सिटी। हजवेरी यूनिवर्सिटी लाहौर के बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेटेड इलाके में वाक़ है, इंडस्ट्रियल एरिया के साथ ही है, और इस यूनिवर्सिटी का और भी कैंपस है, लेकिन असल में बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी लाहौर से बाहर वाले लोगों को टारगेट करती है, और आप जैसे स्टूडेंट्स को जो लाहौर से बाहर हैं और जिन्होंने लाहौर जाकर रहना है उन स्टूडेंट्स को टारगेट करती है ताकि वो आकर इसमें एडमिशन लें और इस तरह की जो रंगीनी है वो दिखा देती है अपनी वेबसाइट पर और अपने एडवर्टाइजमेंट पर। और ये BS, MS और PhD के प्रोग्राम्स भी ऑफर कर रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी किस्म की कोई इस तरह की फैकल्टी मौजूद है। हजवेरी यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग जो है डिग्री हासिल करना चाह रहे हैं तो मैं आपको रोकूंगा कि हजवेरी यूनिवर्सिटी मत जाइएगा, और भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको इस यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रेफर किया जाता है और बहुत ही इससे बहुत दर्जे बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हजवेरी यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा बेटर हैं। और दूसरी बात यह कि हजवेरी यूनिवर्सिटी ये करती है कि आप लोगों को फ़ी रखती है, लेकिन इस तरह करती है कि ऊपर यूँ एक टैग लगा देती है कितने परसेंट फ़ी वेवर, तो उस फी वेवर के चक्कर में आप लोग जो है इस यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, या आपको कोई और यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं दे रही होती तो आप लोग जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हैं, लेकिन असल में बात ये नहीं है। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके मेरिट काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं, सब कैंपसेज में हो जाते हैं यार एडमिशन, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके मतलब कि जो स्टूडेंट्स को एडमिशन दे देती हैं। तो एटलीस्ट ऐसी डिग्री लेकर जाएं जो कल को अगर आप मार्केट में लेकर जाएं तो उसे कोई लेने के लिए एटलीस्ट उसके ऊपर कोई देखे सही कि यार हाँ वाकई ये कोई यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का एडमिशन फिलहाल भी ओपन है, अगर आप लोग चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रोकूंगा। अगर आपको किसी ने भी किसी किस्म की कोई कहा है कि हजवेरी यूनिवर्सिटी में जाएँ तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट खुद से रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा, हजवेरी यूनिवर्सिटी में मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। नेक्स्ट है लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, और आप सोच रहे होंगे कि लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी को एक साइड पर रख दें। अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं, मतलब कि अगर आपने किसी को हायर करना है और उसकी यूनिवर्सिटी का नाम लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी है, यकीनन आप लोग उससे कतराएंगे। देखिए, एक नाम और एक जो रेपुटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है यूनिवर्सिटी की। देखिए, कॉन्सेट्स, नर्स, नाम लोगे, तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखिए, नाम से पता चलता है कि कोई ब्रांड है, कोई चीज़ है, लेकिन लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी नाम से ही ऐसे लग रहा है कि कोई यूँ समझ लें कि यूनिवर्सिटी नहीं है बल्कि एक बिज़नेस सा है। और लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी में आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत ही बुरी रेपुटेशन है मार्केट में, मतलब कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती। ग्रेजुएट्स अगर आप यूँ सोच रहे हैं कि आप मिलियन लोगों को जाके मार्केट में कम्पीट करेंगे इसकी डिग्री के साथ, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ, यूँ है कि अगर आप 10-15,000-20,000 रुपये की जॉब करना चाह रहे हैं, 25,000 की जॉब करना चाह रहे हैं, तो यकीनन आप ज़रूर जाइए इसमें, लेकिन मैं आपको यूँ रिकमेंड करूँगा कि आप अगर इतने पैसे खर्च और टाइम खर्च कर रहे हैं तो एटलीस्ट फ़िलहाल लीड्स यूनिवर्सिटी में ना जाएं। हो सकता है फ्यूचर में बेटर हो जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त तक जो है इसकी रेपुटेशन बहुत बुरी है। आप इसके ग्रेजुएट से पूछ सकते हैं, लेकिन लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी को असल में बाहर मार्केट में ज़्यादा कोई जानता भी नहीं है। तो एटलीस्ट उस यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करें जिनकी बाहर मार्केट में वैल्यू हो, जिनको कोई ना कोई जानता ज़रूर हो। नेक्स्ट हमारे पास नादर यूनिवर्सिटी मनसेहरा। तो नादर यूनिवर्सिटी मनसेहरा में ये 2002 में कायम की गई है यूनिवर्सिटी, और अभी तक इसने कुछ भी नहीं कमाया भाई, इसने इतना भी नहीं किया कि इसका नाम बन सके मार्केट में। और इस यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग डिग्री करने के बाद कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो यकीनन ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपने कुछ सिर्फ डिग्री लेनी है, डिग्री करना चाह रहे हैं तो ज़रूर लीजिए ये यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री लेने के लिए, क्योंकि HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनसे सिर्फ यूँ समझ लें कि आप पेपर इनसे ले सकते हैं डिग्री, लेकिन आप लोग अगर मार्केट में कम्पीट करना चाह रहे हैं तो नादर यूनिवर्सिटी में कभी भी ना जाइएगा। नादर यूनिवर्सिटी में अगर आप जाएंगे उसके बाद आप डिग्री लेकर जाएंगे तो आपकी नादर यूनिवर्सिटी को पहचानेगा भी कोई नहीं भाई। तो नादर यूनिवर्सिटी में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाह रहा है, खुद से ऐसे स्टूडेंट जिनको मतलब कि ज़्यादा इंटरनेट से ताल्लुक नहीं होता, और वो स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको वो यूनिवर्सिटी का टैग देख कर या लो मेरिट देख कर ही चले जाते हैं, लेकिन उनको इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि वो क्या फ्यूचर में वो यूनिवर्सिटी जब पढ़ के जा रहे हैं तो क्या उनको जॉब भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ की आप लोगों को फिक्र करनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बिल्कुल ही निल है, तो कभी भी इसमें मत जाइएगा आप लोग।
नेक्स्ट है द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में फिलहाल भी एडमिशन ओपन है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं मौजूद हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद असल में फैसलाबाद में है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आप लोगों ने बहुत सारे सुने होंगे जैसे GCUF गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद या और भी बहुत सारी ऐसी वेल नोन यूनिवर्सिटीज़, तो वो नहीं है भाई, बल्कि ये दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है। द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी और एक बिजनेसमैन की यूनिवर्सिटी है। अगर इस यूनिवर्सिटी की डिग्री वैल्यू की बात करें तो बिल्कुल निल है। यूनिवर्सिटी को कोई भी मार्केट में जानता भी नहीं है। यूनिवर्सिटी द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद आप लोगों ने भी आई थिंक ज़्यादा इसको नहीं सुना होगा और मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग इसको द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद को इसी यूनिवर्सिटी के तौर पर जानते हैं, बल्कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के नाम से बहुत सारी और गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज मनसूब हैं जिनको लगता है कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जिनके आप नाम अक्सर सुनते रहते होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद को आपने कभी भी नहीं सुना होगा। इवन के ये यूनिवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है और इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन मेडिकल के प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जा रहे हैं और हर एक प्रोग्राम जो पॉसिबल है वो ये यूनिवर्सिटी करवा रही है, लेकिन इसमें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक बिज़नेस ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है और बिज़नेस ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी में आप लोग कभी भी आप अच्छी डिग्री हासिल नहीं कर सकते। मतलब आप लोग जो ऐसे इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी अगर इंजीनियरिंग की डिग्री अगर हासिल कर लें तो आप यूँ समझ रहे हो कि फ्यूचर में मैं जाकर किसी यूनिवर्सिटी से कम्पीट करूँगा किसी और यूनिवर्सिटी से, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से डिग्री करने से बेहतर आप किसी और जगह से डिग्री हासिल कर लें। नेक्स्ट हमारे पास इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी। जी हाँ, इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी भी एक ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसकी रेपुटेशन बिल्कुल निल है। हाँ, इस यूनिवर्सिटी के आप लोग देख सकते हैं 3 कैंपस ज़रूर हैं, अच्छे अच्छे कैंपस इन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन बिल्कुल डाउन है। आप लोगों ने इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं सुना होगा, इकरा यूनिवर्सिटी ज़रूर सुना होगा। तो दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक है इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी और एक है इकरा यूनिवर्सिटी। इकरा यूनिवर्सिटी एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है जबकि इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी को कोई भी नहीं जानता। इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी की डिग्री आप लेकर जाएंगे तो आप लोगों को कोई भी नहीं पहचानेगा। इकरा यूनिवर्सिटी बिलाशुबा एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत ही यानी कि बिज़नेस में भी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसकी डिग्री को रैंक भी किया गया है, जबकि इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी किसी रैंकिंग में कभी भी नहीं आई और ना ही इसकी कोई अच्छी रेपुटेशन है। एक बिज़नेस ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है और ज़ीरो डिग्री पावर के साथ बिल्कुल बहुत ही यूँ समझ लें कि बिलो द नॉर्मल सैलरी रेट्स हैं इसके ग्रेजुएट्स के लिए, तो कभी भी आप इससे कोई अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास पाक एम्स। तो ये इंस्टीट्यूट बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है, बात है 90s की जब इसकी रेपुटेशन हुआ करती थी और पाक एम्स को वाकई में हर कोई जानता था, लेकिन अब ये अपनी उसी पुरानी रेपुटेशन से जो है फ़िलहाल अभी रन हो रहा है, लेकिन इसका जो प्रेजेंट है या फ्यूचर है वो बिल्कुल ही ज़ीरो है। फ्यूचर में काफ़ी आप लोग पिछले तकरीबन 10 से 15 साल को देख लें तो 10 से 15 साल में इस इंस्टीट्यूट ने कंटिन्यूस नीचे ही आया है, ऊपर नहीं गया, और ये इंस्टीट्यूट जो है फ्यूचर में आप लोगों को कुछ अच्छा नहीं दे सकता। पाक एम्स की रेपुटेशन है बिल्कुल प्रीवियस रेपुटेशन है और उसी रेपुटेशन की वजह से ये आज भी एडमिशन हासिल कर रहा है, लेकिन एडमिशन का जो फ्यूचर है वो कोई नहीं है। फ्यूचर में आप लोग इसे कुछ बेटर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो आप लोगों को ये बता दूँ, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। नेक्स्ट हमारे पास नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स। नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स एक प्राइवेट सेक्टर का इदारा है और इसकी भी मार्केट वैल्यू कोई खास नहीं है। इसकी रेपुटेशन या इसका जो नाम है वो बिल्कुल भी नहीं है। इवन कि आप लोगों ने भी कभी नहीं सुना होगा कि NCBA से आप लोगों ने डिग्री हासिल की है, तो लोग क्या कहेंगे कि आपने किधर से डिग्री हासिल की है। यकीनन इसको कोई नहीं जानता, और अगर आप लोगों के जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने हायर करना भी होता है तो वो किसी वेल नोन इदारे के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको हायर कर लेते हैं। वजह ये होती है कि हर किसी को ये होता है कि जब मुझे पता है कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी जो है स्किल देती है, तो जब मैं अपने ग्रेजुएट को हायर कर रहा हूँगा तो मुझे पता है कि इसके पास कोई ना कोई स्किल ज़रूर होगा, तो मैं उसी को हायर कर लूँगा या मैं उसको प्रेफर कर दूँगा दूसरे पर, ताकि मुझे पता है कि इस कॉलेज या इस यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैल्यू है। वैल्यू क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि उसके पास इक्विपमेंट है, वो उनको कुछ सिखाता है, उनके पास फैकल्टी है, उनके पास ये है, उनके पास वो है। लेकिन जब मुझे पता है कि इसके पास ना फैकल्टी है, ना ऐसा ना वैसा है, बल्कि ये एक प्राइवेट बिजनेस है, तो मैं ये बात कर रहा था कि नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी भी कोई खास वैल्यू नहीं है डिग्री की, तो आप लोग इसमें अगर जाने का सोच रहे हैं तो मत जाइएगा, किसी और को देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कृषि यूनिवर्सिटी। जी हाँ, कृषि यूनिवर्सिटी, आपने कृषि की और बहुत सारी प्रोडक्ट्स देखी होंगी और आज आपने यूनिवर्सिटी भी देख ली। अगर आपने पहले सुना है तो बहुत अच्छे, अगर नहीं सुना, और मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने कृषि यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ ज़्यादा सुना होगा। ये नई यूनिवर्सिटी है और ज़ीरो मार्केट डिग्री के साथ यानी कि डिग्री वैल्यू के साथ ये अवेलेबल है। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो ये चाहता है कि मुझे फ्यूचर में कोई पहचाने भी नहीं या मेरी डिग्री को भी कोई ना जाने और एम्प्लॉयर ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या ये भी यूनिवर्सिटी है या किसी पता नहीं प्रोडक्ट का नाम है,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ। जीरो मार्केट वैल्यू के साथ नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को कोई भी नहीं जानता। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो फील्ड है वो तकरीबन मेडिकल ही है, और इनका जो बेसिक मकसद है वो प्रोडक्ट्स को बनाना है। मतलब कि यूँ समझ लें कि जिस तरह के मेडिकल के बारे में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गई और इस तरह के इक्विपमेंट्स वगैरह बनाने, तो मतलब कि इसकी जो यूनिवर्सिटी की वैल्यू है वो ज़ीरो है। नेक्स्ट हमारे पास सुहेल यूनिवर्सिटी। सुहेल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, डीपीटी और मेडिकल के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि सुहेल यूनिवर्सिटी को कोई नहीं जानता। सुहेल यूनिवर्सिटी को अगर आप लोग इसकी डिग्री को मार्केट में लेकर जाते हैं तो इसको कोई पहचान का भी नहीं। सुहेल यूनिवर्सिटी बेशक के मतलब के फैकल्टी के लिहाज से भी ठीक है, गुजारा कर रही है, लेकिन ये है कि इस यूनिवर्सिटी की जो मार्केट वैल्यू है वो नहीं है। इस यूनिवर्सिटी का भी नाम नहीं है सुहेल यूनिवर्सिटी का। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि कभी भी सुहेल यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करके ना जाएँ, किसी और यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें और इसमें भी ना जाएँ। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेन्स इंस्टीट्यूट पेशावर। ब्रेन्स इंस्टीट्यूट पेशावर एक वेल रिपेटेड ज़रूर है, मतलब कि कुछ ना कुछ लोग इसको जानते हैं, लेकिन बात यह है कि इसकी जो इंजीनियरिंग डिग्रीज़ हैं और दूसरी डिग्रीज़ हैं, इन डिग्रीज़ की वैल्यू नहीं है। अगर आप लोग यही डिग्रीज़ किसी और यूनिवर्सिटी से लेकर जाएंगे तो आप लोग बेहतर रहेगा। इस इंस्टीट्यूट को कोई ज़्यादा पहचानता नहीं है, और इस यूनिवर्सिटी को यानी कि इस ब्रेन्स इंस्टीट्यूट को, इस इंस्टीट्यूट की कोई ज़्यादा मार्केट वैल्यू भी नहीं है। अगर आप लोग इससे डिग्री लेकर जाते हैं तो कोई ज़्यादा इफेक्टिव डिग्री नहीं है। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि ब्रेन्स इंस्टीट्यूट पेशावर में अगर आप एडमिशन का सोच रहे हैं तो हरगिज़ मत जाइएगा। तो चलिए अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन यही है कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ या इन कॉलेजेस या इन इंस्टीट्यूट में जब जाते हैं तो उसके बाद आपको एहसास होता है कि हमने गलती की है। गलती इस तरह से की है कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाकर इन्वायरमेंट देखते हैं, इंस्टीट्यूट में जाकर इन्वायरमेंट देखते हैं, इक्विपमेंट देखते हैं, क्लासेस देखते हैं, आप लोगों को यह एहसास होता है कि यार ये तो वही स्कूल वाला निज़ाम है, वही कॉलेज वाला निज़ाम है, इसमें यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की कोई बात ही नहीं है। किधर है हमारे वो एडवांस लैब्स और जो हमने सोचा था कि हम इस तरह से, और जो आप लोगों को जितना पता होता है इससे ज़्यादा हायर करने वालों को पता होता है कि ये चीज़ कैसी है, ये यूनिवर्सिटी कैसी है, ये इदारा कैसा है। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि इनमें से किसी में भी ना जाए। इनकी जो रेपुटेशन है वो डाउन है, मतलब इनको कोई जानता नहीं है मार्केट के अंदर। इनको नहीं जानेगा तो आपकी डिग्री को भी कोई पहचानेगा भी नहीं, और वो प्रेफर करेंगे कि बजाय इसके कि एक नॉट नोन, मुझे पता भी नहीं कि ये यूनिवर्सिटी है या नहीं है, और मैं उस यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को कैसे हायर करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को उसके ऊपर प्रेफर कर दूँ कि जिसकी डिग्री को हर कोई जानता है, जैसे कस्ट हो गई, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, जैसे UCP हो गई है, UMT हो गई है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर आजकल बेस्ट हो गई है, क्योंकि वो स्टार्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी इतनी नहीं थी, जैसे और भी बहुत सारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो में अगर आप लोग कहेंगे तो बता दूंगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर जाना है तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट रहेंगी फ्यूचर के लिए। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प की होगी। आप भी एग्री करते होंगे, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो कोई बात नहीं है। इस बात को बताने का मकसद ये था कि चूँकि मैंने जितनी रिसर्च की है, मैंने जितना ढूंढा है, डेफिनेटली स्टूडेंट्स को इस बात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और फ्यूचर में प्रॉब्लम का सामना होता है कि जब वो डिग्री ले लेते हैं उसके बाद उनको जॉब नहीं मिल रही होती। तो बजाय इसके कि आप लोग यार इतना सौ टाइम ज़ाया करो, आप लोगों को मैं बता दूं मेरा हक बनता है आप लोगों को बताना। अगर आप लोगों में इसको डिसएग्री करता है तो कोई बात नहीं, माजर करता हूं, और आई होप कि इस वीडियो ने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर की होगी। लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आई है तो। अगर चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फ्यूचर की तमाम अपडेट्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खैर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।